पहले हम इस प्रॉब्लम के जो गिवन डाटा है और जो हमने फाइंड करना है वो देख लेते हैं जी। प्रॉब्लम में उसने कहा था जी 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ 100 ईच। तो उसने क्या किया जी, उसने जनरल पब्लिक को ऑफर किए हैं, पहले तो लिख लें ऑथराइज कैपिटल कितना है या ऑथराइज शेयर्स हैं उसके 10,000। वो ऑफर कितने का रहा है जी, ऑफ़र उसने किए हैं इसमें से 5,000 शेयर जनरल पब्लिक को, कह रहा है जी एट अ रेट ऑफ 100 ईच मुझसे ख़रीद लो। उसके बाद उसने कहा जी 1 जनवरी को उसने जनरल पब्लिक को ऑफ़र की है और 15 मार्च लास्ट डेट है उसकी एप्लीकेशन की सबमिशन की। अब जब हमने जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो हमने 1 जनवरी की नहीं डालनी जिस दिन ऑफ़र मेक कर रहे हैं, हमने उस तारीख को या नोट करना है जी जिस पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होंगी, तो वो कौन सी डेट है 15th of March। उसके बाद कहता है जी कंपनी रिसीव्ड 4,000 एप्लीकेशन टिल 15th of March। कंपनी को 15 मार्च तक कितनी आई हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे रिसीव्ड एप्लीकेशन हैं 4,000 एट अ रेट ऑफ 100 ईच। उसके बाद उसने क्या किया जी 4,000 को शेयर्स इशू कर दिए हैं ऑन 30th of March। 30 मार्च को उसने क्या किया जी, शेयर्स इशू कर दिए हैं कितने, 4,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच के हिसाब से। बाकी जो 1,000 रह गया है ऑन सेम डेट उसने क्या कर दिया है जी, अंडरराइटर आ गए हैं और अंडरराइटर्स को इशू कर दिए हैं 1,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच। अब हमने क्या करना है जी, हमने एंट्रीज डालनी है एप्लीकेशन रिसीव्ड की, इशूड की और अंडरराइटर को इशुएंस की। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज होंगी, साथ ही साथ हमने इनकी डेट्स भी मेंशन करनी है। चलें जी इनको जर्नल में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके जी, सेम वही फॉर्मेट है हमारा जर्नल का। हमने क्या करना है जी, ऊपर लिखना है जर्नल, यहाँ पर आप बिजनेस का नाम लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्शन इन केस ऑफ जर्नल। जर्नल के बाद हमने यहाँ इस कॉलम में लिखना है जी डेट, इसमें आएंगे आपके पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम, लेजर फोलियो के कॉलम के बाद है जी अमाउंट ऑफ डेबिट एंड देन अमाउंट ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री मैंने कहा था जी हमेशा आपने डालनी है या नोट डाउन करनी है फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ उसके क्वेश्चन में उसने क्या कहा जी, ऑफर चाहे जितनी मर्जी दी हो, उसने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की हैं 4,000 एट अ रेट ऑफ 100 ईच। और डेट क्या थी जी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी 15th of March 2018। अब मैं यहाँ 2018 की बजाय ऊपर एक ही दफ़ा 2018 लिख रही हूँ ताकि बार बार मुझे ईयर मैंशन ना करना पड़े। ओके जी, एंट्री क्या थी आपकी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कहा था जी जब कभी भी आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे यही एंट्री पास होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा जी, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का। यहाँ हम लिखेंगे जी रिसीव्ड एप्लीकेशन, आप पूरा लिख लें। मैंने कहा जी आपने नरेशन को छोड़ना नहीं है, हमेशा इसकी जगह पे चाहे एक वर्ड लिखे चाहे दो वर्ड लिखे आपने लाजमी लिखने हैं। अब हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जी, कहता है जी विदाउट एनी रिगार्ड कि आपने ऑफ़र कितनी की है, आपने रिसीव्ड एप्लीकेशन की अमाउंट सिर्फ वही डालनी है जितने आपको पैसे आए हैं। उसने कहा जी 4,000 एप्लीकेशन आई हैं एट अ रेट ऑफ 100 ईच, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 40 लाख आई थिंक सो। एक मिनट, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 4 लाख आता है जी, ये 4 लाख। उसके बाद कहता है जी यहाँ पे भी आपकी शेयर एप्लीकेशन में भी अमाउंट आएगी 4 लाख। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। उसके बाद वो कहता है जी इन्हीं को उसने इशू भी कर दिए हैं शेयर्स, किस तारीख को, 30 मार्च को। यहाँ हम डेट मेंशन करेंगे जी 30th मार्च की। 30th मार्च को वो इन शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके क्या कर रहा है जी, शेयर्स इशू कर देता है। तो क्या एंट्री आएगी जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी एंट्री हमने पहले पढ़ी हुई है, पिछले दोनों क्वेश्चंस में सेम यही एंट्री थी जब आप शेयर्स इशू करते हैं। यहाँ आपने लिख देना है जी इशूड शेयर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहें इशूड शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब इनकी अमाउंट कितनी होगी जी, सेम यही अमाउंट है, हमने 4,000 शेयर इशू किए हैं एट अ रेट ऑफ 100 ईच, तो अमाउंट इसकी भी 4 लाख ही आएगी।
अब रह गए वो शेयर्स जी जो आपके अंडर राइटर्स ने लेने थे, तो हमने पीछे भी कहा है जी कि अंडर राइटर्स ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, सिंपली आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे और आप उन्हें शेयर्स इशू कर देंगे। अब उसी डेट को ऑन 30th of March ही आपके अंडर राइटर आ गए जी कि जनरल पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं लिए, वी आर हेयर फॉर रेस्क्यू। तो वो कहते हैं जी आप हमारे बैंक में पैसे भेजें, हम आपको फ़ौरन से शेयर इशू करके अपने बिजनेस का या अपनी कंपनी का ओनर बना लेते हैं। अब जब वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे, बैंक अकाउंट हमारा एसेट फौरी इंक्रीज होगा। तो डेबिट कितनी अमाउंट भेज रहे हैं, जिसने कहा जी हम 1000 शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं एट अ रेट ऑफ 100 ईच, तो उन्होंने कितने भेजे, 1,00,000 रुपये। आपने इन 1,00,000 रुपये के अगेंस्ट अब ना शेयर एप्लीकेशन ली है ना कुछ और किया, आपने सिंपली क्या किया जी फ़ौरन से उन्हें शेयर्स इशू करके अपना ओनर बना लिया या अपना शेयर होल्डर बना लिया। अब आप करेंगे क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट को, और वो भी कितनी अमाउंट से होगा, 1,00,000 से। लें जी यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन में शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। अगेन देख लें एक दफ़ा, उसने कहा जी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन की सिर्फ अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट सेम रहेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही होगा जब कभी भी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। उसके बाद अगर आपने इशू करने हैं तब भी एंट्री सेम रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीज़न मैंने बहुत दफ़ा बता दी हुई है जी कि क्यों ये डेबिट हो रहा है और क्यों शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था जी, जब आपके अंडर राइटर्स आते हैं तो मैंने कहा जी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करना होता, दे सिंपली डिपॉजिट मनी इनटू योर अकाउंट, और आपने क्या करना होता है जी उन्हें शेयर्स इशू करके अपने बिजनेस का इन्वेस्टर या शेयर होल्डर बना लेना है, ठीक है जी। होपफुल ये तीनों प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, वह है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इधर पीछे लास्ट वीडियो में भी दे दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर ईमेल कर दें। उसके बाद हम सोचेंगे जी कि इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई वीडियो होनी चाहिए या कोई और मेथड होना चाहिए टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके जी, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी इश्यूएंस ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम, और ये डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है, ठीक है जी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और फिर से वही बातें सारी जो मैंने कही हुई हैं पिछली वीडियोज़ में, उनको याद रखिएगा और कोशिश कीजिए कि साथ साथ पढ़ते जाएं। कोशिश करूँगी कि आपके क्विज़ेस हों, मैं ऑनलाइन कोई क्विज़ डेवलप करके आप तक लिंक सेंड कर दूँगी या सर्वकास्ट तक लिंक सेंड कर दूँगी, तो आपने वो सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड बैक कर देना है किसी भी तरह, उसका ऑटोमेटिकली मेरे तक वो सबमिट होके आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।